अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अल्लाह के नबी के जो नवासे वो शहीद हो गए, लेकिन उनके लिए इतनी फिक्र नहीं की, फिक्र की उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए कैसी कैसी छोटी छोटी चीज़ों से बचाया है। मैं मिसाल देता हूँ बार बार कि अल्लाह के नबी को ये भी गवारा नहीं कि उम्मती को, किसी भी उम्मती को चोटी काट ले, किसी भी उम्मती को सुई चुभ जाए, ये भी गवारा नहीं। उसकी मिसाल हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि तुम में से जब कोई बिस्तर पर जाए तो अपने बिस्तर को सोने से पहले झाड़ ले, ऐसा ना हो कि उसको चूटी काट ले। कितनी मोहब्बत है, कितनी शफकत है कि चूटिया काटना गवारा नहीं किया। खैर का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके बारे में बताया ना हो। और दूसरे हदीस में क्या इरशाद होता है, फरमाया कि जब किसी का कपड़ा फट जाए तो उसको पहने पहने मत सीना, ऐसा ना हो कि सुई चुभ जाए। इतनी खैर ख्वाही उम्मत, जब रात को सो तो चराग बुझा के सो, ऐसा ना हो कि अंधेरे में कोई चूहा आ जाए और चराग गिर जाए और घर में आग लग जाए। जब रात को सो तो ऐसी छत पर मत सो जिसकी मुंडेर ना हो, ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाओ। ये क्या है, ये उम्मत के ऊपर शफकत है, मोहब्बत है। तो जिस नबी ने हमारे दुनियावी नुकसानों की परवाह की है, उसने हमारे आखिरत के नुकसानों की क्यों परवाह नहीं की। खैर के दरवाजे बता दिए। एक हदीस बताता हूँ जो मेरा बताने का मकसद है, हम में से हर शख्स ये चाहता है हमारी चीज़ परफेक्ट हो, और सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास ईमान है। देखिए, जब तक इंसान को ईमान की वैल्यू मालूम नहीं होगी, इंसान आसानी से गंवा देगा। ये इंसान की फितरत है, जब तक किसी चीज़ की वैल्यू। अब मिसाल देता हूँ, आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने आपसे कहा ये चीज़ है, आपने कहा हाँ है, उसने कहा भाई ये चीज़ तो बहुत महंगी बिकती है और आप इतनी सस्ती बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? आपको अंदाज़ा होगा भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मैं जो इसका रेट बढ़ा देता हूँ। जब तक वैल्यू पता नहीं होती, इंसान कीमत के बारे में अंदाज़ा नहीं करता। इसकी एक मिसाल देता हूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, फारसी ज़बान के मशहूर एक शायर हैं, अल्लाह वाले हैं, बड़े वाक़ियात हैं उनके। उन्होंने अपना एक वाक़िया लिखा है बचपन का, और उस वाक्य से समझाया उन्होंने। बाकी उन्होंने बचपन का ये लिखा, फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा ने मुझे एक अंगूठी दी सोने की, छोटा बच्चा था, मेरे हाथ में पहना दी, जैसे बच्चों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो मैं एक दफ़ा बाजार में जा रहा था वो अंगूठी पहन के, अकेला था, तो रास्ते में एक ठग मिल गया। ठग, ठग समझते हैं आप लोग? ठग वो होता है जो बातों में फुसला के आपसे खुद लेगा, आप खुद देंगे उसको। एक होता है चोर, एक उचक्का छीन के चला गया, डकैती मार ली, वो नहीं। ठग वो होता है जो बंदों को बातों में लाके ना चीज ले लेता है, शैतान ठग है हमारा। तो कहते हैं मुझे रास्ते में ठग मिल गया। वो ठग मेरे पास आया, उसने देखा मेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, तो उसने मुझसे कहा कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि मैं सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ। तो उस ठग ने कहा कि देखो मेरे पास ये गुड़ है, गुड़, ये गुड़ चखो कैसा है। तो शेख सादी कहते हैं मैंने गुड़ खाया तो बड़ा मीठा लगा, गुड़ तो मीठा होता है। फिर उस ठग ने मुझसे कहा कि तुम अब अपनी अंगूठी चखो। तो कहते हैं मैंने अपनी अंगूठी चखी तो कड़वी, सोना तो कड़वा होता है, नहात है। तो उस ठग ने ये कहा कि तुम ये मीठी चीज़ मुझसे ले लो और कड़वी चीज़ मुझे दे दो। तो कहते हैं मैं राजी हो गया, मैंने उसको दे दी अपनी अंगूठी और गुड़ दे के घर आ गया। यही हाल हमारा है, वैल्यू मालूम नहीं है ईमान की। मामूली मामूली गुनाहों के बदले में, मामूली मामूली चीज़ों के बदले में अपने ईमान को दे रहे हैं, ईमान की वैल्यू मालूम नहीं है। छोटे छोटे गुनाहों के, छोटे छोटे नफसानी ख्वाहिशात के पीछे, छोटे अपने तकाजों के पीछे अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। ज़रा सी ख्वाहिश, देखिए अजीब नुस्खा बताता हूँ, गुनाह की ख्वाहिश बहुत मामूली वक्त के लिए होती है। उलमा ने लिखा है पूरे दीन का खुलासा सिर्फ एक चीज़ है, पूरे दीन का खुलासा सिर्फ एक चीज़ है, और वो है हिम्मत। हिम्मत, जब नेकी का तकाजा आए, नेकी का टाइम आए, नेकी का वक्त आए, नेकी का मुतालबा हो, हिम्मत करके कर ले, अपने नफ्स पे जबर करके कर ले, फौरन कर लेता है आदमी तो हो जाता है। इसी तरह जब गुनाह का तकाजा आया, दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हुई गलत काम की, गलत चीज़ देखने की, गलत चीज़ सुनने की, गलत काम करने की, थोड़ी सी हिम्मत करके उसको दबा लेगा, आसान है, अल्लाह मदद फरमाएगा, करके देख ले।
आदमी फिर बोलता है यार ये तो बहुत आसान काम है, गुनाह को दबाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत उस मूवमेंट में करनी है कि थोड़ी सी हिम्मत करके अपने आप को काबू करना है बस। देखें हसन, शैतान बहुत बड़ा ठग है, शैतान के बारे में मालूम है, शैतान से बड़ा तजर्बेकार कोई नहीं है दुनिया में, बहुत पुराना तजर्बा है उसको, तकरीबन कमोबेश मौरखीन कहते हैं 10,000 साल गुजर चुके हैं आदम को, तो हजारों साल का तजर्बा है उसका, सारे मजाहिब का आलिम है, सारे मसलकों सारे फिरकों को जानता है, और बहुत बड़ा बेरहम है, मरते हुए आदमी पर भी रहम नहीं खाता, और बड़े उसके पास दाव हैं, उलमा ने लिखा है 20,000 नूरानी दाव हैं शैतान के पास, नूरानी बिस्मिल्लाह पढ़ के, मौलवी को मौलवी के तरीके से, हाजी को हाजी के तरीके से, ऐसे ऐसे गुनाह करवाता है आदमी पता भी नहीं चलता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआओं की पनाह में आ जाओ। देखिए अजीब, अल्लाह के नबी नब्बाज है, नब्बाज नब्बाज समझते हैं यानी हिकमत शनास, नफ्स जानते हैं इंसान की, फितरत जानते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी जो हम खुद नहीं समझ सकते। हदीस पाक में आता है कि दो चीज़ों से पनाह मांगो, रिया और सुमा। रिया कहते हैं दिखावा, हम समझते हैं दिखावे को, रियाकारी कि भाई दिखावे के लिए कोई काम करना, और एक है सुमा। सुमा का मतलब यह है कि शुरू में दिखावा नहीं था, शुरू में इखलास से काम किया, शुरू में नेक नियति से काम किया, बाद में दिखावा आ गया। इससे भी अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह इससे ही बचा, ऐसा ना हो कि हमारे आमाल जाया जाए। मैं बार बार अपने दोस्तों से अर्ज करता हूँ, अल्लाह से एक दुआ खास करके मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे आमाल को हमारे ही काम में लगाए आखिरत में, ऐसा ना हो कि यहाँ से हम हज करके, नेकियाँ करके, नमाजें पढ़ के, इबादतें करके, उम्रे करके, सत्य करके जा रहे हैं, और वहाँ इकट्ठे करके लेके गए, पता चला वहाँ पर दूसरों को देने पड़ जाए, हमारे आमाल हमारे ही काम में आए, इतनी मेहनतें कर रहे हैं, मुशक्कतें कर रहे हैं, अपने जबर करके, अपनी चीज़ें आगे पीछे करके, अल्लाह के आकाम को पूरा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ जाके दूसरों को देने पड़ जाए। तो मैं जो बता रहा था हदीसे पाक में आता है, बस मुख्तसर से मैं खत्म करता हूँ, टाइम हो गया हमारा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की ज़बानी एक हदीस बताई है, अगर हम ये चाहते हैं हमारा ईमान कामिल हो जाए तो उस हदीस पर अमल कर। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह वो अब गज़ल लिल्लाह वो आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़कद इस्तकमल ईमान। चार जुमले इरशाद फरमाए, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, जो अल्लाह के लिए बुग्ज़ रखे, जो अल्लाह के लिए दे और जो अल्लाह के लिए रोके, उसका ईमान कामिल है। ये मेन चार चीज़ें बता दी, बताने का मकसद ये हदीस पाक में आता है, उलमा तशरीह करते हैं कि यानी हर चीज़ में नियत अल्लाह हो, देना भी अल्लाह के लिए हो, रोकना भी अल्लाह के लिए हो। बच्चों की पॉकेट मनी मैंने बंद कर दी इसलिए कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, आज हम इतना सा हमारा बटन टूट जाए, चार मरतबा घर वालों से पूछ लेते हैं कि भाई बटन कैसे टूट गया, बटन कहाँ गया, बटन कब लगेगा, अगर नमाज छूट जाए बच्चों की घर वालों की हम नहीं पूछते, तस्बीह पढ़ी नहीं पढ़ी, तिलावत की नहीं की, जिक्र अस्कार, जिस तरह हम अपना एहतमाम के साथ इतना बड़ा वक्त सर्फ करते हैं अपने जिस्म को पालने के लिए, कुछ वक्त सर्फ करें अपनी रूह को पालने के लिए। इंसान सिर्फ जिस्म नहीं है, इंसान रूह और जिस्म का मजमूआ है, रूह निकल जाएगी तो इंसान नहीं रहेगा, मैयत बन जाएगा वो। रूहानी गिजा भी लें, अल्लाह को याद करें, रूहानी तरक्की भी करें, अल्लाह से अपने फासलों को कम करें, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, दिलों के जंग को हटाएं, कुछ देर इसके लिए भी निकालें, 5 मिनट 10 मिनट निकाल के बैठ के तिलावत कर लें, जिक्र कर लें, मुसल्ले पे बैठिए, कुछ नहीं हो सकता सिर्फ मुसल्ले पे बैठिए, नमाज पढ़िए, ना मांगे कुछ, दुआ नहीं मांगे ऐसी बैठिए। उलमा फरमाते हैं ये भी फायदे से खाली नहीं है कि अल्लाह बैठा हूँ किसी सखी के दरवाजे पर आके फकीर खामोशी से बैठ जाए तब भी सखी आदमी उसको कुछ ना कुछ दे देता है कि मेरे दरवाजे पे आया, अल्लाह तो सखियों के सखी हैं। तो हमारा देना, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है, अपने आप को हमने बहुत ज़्यादा करेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा सही करना है। दो हुकूक बताता हूँ जो इंसान के हमारे ऊपर हक है, इंसान के, मुसलमान के नहीं। आज मुसलमान में भी तख़सीस हो गई है जानने वाला मुसलमान, हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत की अलामत है कि सिर्फ जानने वालों को सलाम किया जाएगा,
जानने वालों को सलाम करते हैं। अल्लाह अपने नबी की जबान झूठी नहीं फरमाएंगे, जो कुछ कहा वो पूरा करके दुनिया खत्म होगी, झूठी नहीं हो सकती। तो इंसान के हक क्या है? दो हक ऐसे हैं जिसमें काफिर मुसलमान सब शामिल है, हमारे ऊपर हक है मुसलमानों के ऊपर, सारी इंसानियत के हकूक दो। पहले नंबर पर वकूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे अल्फाज से बात करना। इसमें मुसलमान की तख़सीस नहीं है, हिंदू हो, काफिर हो, चाइनीज हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अच्छा बात करना उसका हक है हमारे ऊपर। और दूसरे नंबर पर वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, अच्छे स्टाइल में बात करना, बात तो अच्छी है लेकिन स्टाइल गलत है, ये भी हक है। बात भी करनी है सही और तरीका भी सही। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को सही करना है। हम अल्लाह से मांगे कि ए अल्लाह शरीयत सुन्नत पर पाबंदी की तौफीक हमें नसीब फरमा दे। आज हम वो नेकियां कर रहे हैं जो नेकियां करना हमें आसान लगता है और हमें पसंद है, गुनाह हम वो छोड़ रहे हैं जो हमारे लिए मुश्किल है, जो हमें नापसंद है। गीबत हर आदमी कर रहा है, झूठ हर आदमी कर रहा है, जासूसी हर आदमी कर रहा है, ऐप जो ही हर आदमी कर रहा है, ऐप हर आदमी फैला रहा है, झूठी खबरें हर आदमी फैला रहा है, इनको गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं हमने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबी है तरकुहु माला, यानी कि बेफायदा चीज़ों को छोड़ दो। आज हम कितना वक्त मोबाइल हाथ में पकड़े हुए, ये हमारे गले का पट्टा है, जंजीर लगी हुई अंधे की, मोबाइल हमारे हाथ में हर वक्त रहता है, हर वक्त हमारी आंखें, इतने एडिक्टेड हो गए हम लोग, इतने आदी बन गए हैं कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। ये हालत तो मुसलमान की मस्जिद के साथ होनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि मोमिन की मिसाल ऐसी है मस्जिद के अंदर जैसे मछली पानी में, जैसे मछली बाहर जाकर तड़पती है वापस आने के लिए, मोमिन के अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि किस तरह मस्जिद में वापस जाऊँ। आज मुसलमान का दिल मस्जिद में नहीं लगता, मस्जिद में जाता है तो बाहर जाने की फिक्र करता है, बस जल्दी से नमाज खत्म करूँ और जाऊँ। बहुत ज़्यादा अल्लाह से मांगे कि अल्लाह दीन की सही समझ दे दे, अपनी पसंद का बना ले, जैसा अल्लाह को देखना हमें पसंद है, जैसा हमसे मुतालबा है वैसा करने की तौफीक दे दे। मनमानियाँ बहुत हो गई हैं, मनमानी नेकियाँ भी बहुत हो गई हैं। असल तो ये है कि अल्लाह का जो मुतालबा है हमसे और अल्लाह के नबी का जो मुतालबा है, हम उस पर अमल करें। मन मर्जी की हम जो चीज़ें, तो अमल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पूरा दीन नहीं है। पूरा दीन वो है जो अल्लाह ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा है और हमसे मुतालबा किया है कि इस पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।